नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे MCCB वर्किंग कैसे करती है और MCCB का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा MCCD में तीन इनपुट और तीन आउटपुट, यानी कि तीन टर्मिनल इनपुट के लिए यूज करते हैं और तीन टर्मिनल आउटपुट के लिए। RY भी कनेक्ट कर देंगे और जब इसका स्विच, ये इधर ऑन ऑफ स्विच है, इसको ऑन ऑफ करेंगे। और ये जो फ्रेंड्स, ये जो स्विच है, ये ट्रिपिंग है, यानी कि इसको पुश करेंगे, पुश टू ट्रिप, इस पे लिखा भी है पुश टू ट्रिप। इससे हमको पुश करने से, अगर MCCB को ट्रिप करना है तो इसको पुश करते ये ट्रिप हो जाएगी। ट्रिप पोजीशन इसकी सेंटर में है। जैसे ये, अगर ये जो लीवर है ये अगर इधर होगा तो ऑन रहेगी, यहां होगा इस साइड तो ऑफ, अगर बीच में है तो आप देख लीजिए कि ट्रिप है, ठीक है फ्रेंड्स। और इस MCCB में ये डिस्प्ले लगी है, ये कुछ स्विच है इसके, ठीक है। डिस्प्ले इसलिए, इसकी जो हमको रेटिंग कम ज्यादा करनी है, अर्थ फॉल्ट टेस्ट ट्रिप करवानी है कैसे, वो पूरी सेटिंग इसमें दी गई है। इसके हिसाब से इसको हम इसकी सेटिंग आसानी से कर सकते हैं। और डिस्प्ले के लिए पावर हमको ये जो वायर दी है साथ में, इसमें हम 9 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर देंगे और डिस्प्ले ऑन हो जाएगी। और डिस्प्ले को लॉक करने के लिए ये इधर की स्विच दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें हम की डाल के अगर स्विच को घुमाएंगे तो ये की, ये डिस्प्ले ऑन ऑफ होगी, ठीक है। इधर हम इनपुट कनेक्ट कर देंगे तीन फेज और इधर आउटपुट निकलाएंगे। और MCCB को ये अब रिसेट कैसे करेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, इसको नीचे की तरफ ऑफ की साइड खींच लाना है, से ये उधर धकेल देना है ऑफ की साइड। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी ये ऑफ पोजीशन में है और जैसे इसको ऑन करेंगे ये इधर ऑन हो गई, ठीक है। और जब MCCB ट्रिप होगी, ये हम इस स्विच के से हम टेस्ट भी कर सकते हैं कि ये टेस्ट कर सकते हैं कि हमारी MCCB वर्किंग कर रही है कि नहीं कर रही। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको अभी हम ट्रिप करवाएंगे। अभी ये ऑन कंडीशन में है तो ट्रिप करेंगे तो सेंटर में आ जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सेंटर में आ गया है। इसको रिसेट करने का तरीका वही है, इसको नीचे की तरह पुल करना है और फिर इसको ऑन करने के लिए ऊपर उठा देना है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये पांच स्विच है जो इसकी सेटिंग करेंगे हम। ये सेटिंग कैसे करनी है, इधर दिया हुआ है सारी चीज इसके ऊपर, ठीक है। और MCCB का को इसको पावर के साथ अगली वीडियो में हम इसको कनेक्ट करके दिखाएंगे। अगर हम इसको ऑफ कंडीशन में भी अगर ट्रिप करवाएंगे, मान लीजिए ये हम ऑफ कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, अभी ऑफ है ये, इसको अभी भी ट्रिप करवाएंगे तो अभी भी ये ट्रिप हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, जब हम MCCB से आगे आउटपुट में अगर कोई भी काम करते हैं तो MCCB को हमेशा आप ट्रिप करवा के रखिए, ताकि इसको जल्दी से कोई ऑन ना करे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए हमारा चैनल इलेक्ट्रिक गुरुजी। जय हिंद।